एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मूंगफली की सूखी चटनी, जो कि महाराष्ट्र की फेमस चटनी है और ये साइड डिश में काम आता है। आप इसे प्लेन रोटी, चपाती, नान या फिर दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बारिश के मौसम में अक्सर सब्जियों की कमी हो जाती है और सब्जी महंगी भी हो जाती है, तो आप इसे एक बार बना करके ज़रूर ट्राई करें और इसे महीनों तक स्टोर करके आप रख सकते हैं फ्रिज में। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है चटनी, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके फ्राई पैन चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे हम एक कटोरी भर के मूंगफली। तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम मूंगफली को ड्राई रोस्ट किया है और आप अपने अकॉर्डिंग मूंगफली की मात्रा है वो बढ़ा घटा सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही रोस्ट की है क्योंकि हमें मूंगफली की ज़रूरत होती है कभी चटनी बनाने के लिए कभी कुछ, तो एक बार में हम ज़्यादा ड्राई रोस्ट करके रख देंगे तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी चटनी की उतना ही हम इसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने स्लो गैस पर इसे लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लिया है। करीब ये 5 से 6 मिनट में अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए थे। जैसे जैसे ये भुनेंगे ना, वैसे वैसे इसमें से तिड़कने की आवाज़ें आने लगेगी और मूँगफली में से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी। तो आप समझ जाइए कि जो मूँगफली है वो हमारी भुन चुकी है। तो एक बार हम मूँगफली को चेक कर लेंगे। तो जैसे ये मूँगफली अगर भुन जाएंगे तो इसके छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएंगे। इस तरह से हम हाथों से चेक करेंगे ना, तो वे आसानी से उतर जाएंगे और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। तो इसी स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और मूँगफली को हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इतना हम ठंडा रखेंगे कि ताकि जब हम इन्हें हाथों से छुए तो हाथ जले नहीं। तो 10 से 15 मिनट हो चुके थे, मूंगफली है वो आसानी से देखिए ठंडे हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, इनके हम छिलके उतार लेंगे। तो इस तरह से हम हाथों से मैश कर लेंगे, तो इस तरह से हाथों से भी इसके जो छिलके हैं वो निकल जाएंगे। नहीं तो आप क्या कीजिएगा कि किचन टॉवल पर इसे रख करके और किचन टॉवल से रगड़ दीजिएगा ना ऊपर से, तो ये आसानी से इसके जो छिलके हैं वो उतर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने हाथों से इस तरह से रगड़ते हुए इनके जो छिलके हैं वो निकाल लिए हैं। उसके बाद हमने इसे मोटी छलनी से छान लिया है ताकि जो छिलके हैं वो अलग हो जाए और जो मूंगफली है वो ऊपर ही रह जाए। तो ये लीजिए, हमने सारे मूंगफली को छान लिया है और जो थोड़े बहुत अगर छिलके रह जाते हैं तो उसको आप थोड़ा सा फटक लीजिएगा बड़ी सी थाली में डाल करके, तो ये आसानी से इसको छिलके हैं जो महीन वाले वो निकल जाएंगे। तो मैंने मूंगफली को अच्छे से साफ करके इसे अलग कर लिया है और जितनी हमें मूंगफली चाहिए उतना हम इनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप मूंगफली के दाने को अलग कर लिया है और साथ ही साथ हमने लिया है थोड़े से लहसुन की कलियाँ और थोड़े से हरी मिर्च और धनिया पत्ते। तो मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि इस चटनी में लहसुन की जो मात्रा है वो थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, जिससे चटनी है वो बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ ही साथ स्पाइसी के लिए हमने इसमें हरी मिर्च का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है उस हिसाब से आप चटनी को तीखा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने गैस ऑन करके फिर से फ्राई पैन चढ़ाया है और उसमें डाला है करीब 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो मैंने यहाँ पर सरसों तेल का यूज किया है और तेल को हम परफेक्ट प्री हीट गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे और इसके बाद हम इनको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो लहसुन मिर्च को हमें जब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन है वो दूर नहीं हो जाता है। तो देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट हो चुके थे लहसुन को हमें फ्राई करते हुए और हरी मिर्च भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो चुका है। इसी स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती और उनको भी हम थोड़े से कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, धनिया पत्ती भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और सारी चीज़ों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 3 से 4 मिनट लगे थे, सारी चीज़ हमारे जो है वो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब लेंगे हम एक मिक्सी का जार और उसमें हम सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने लहसुन, हरी मिर्च और धनिया पत्ती को ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसमें 1 कप मूंगफली के जो दाने हैं उनको हमने डाल दिया है और अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक कम ही रखा है, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और डाल देंगे, लेकिन एक बार में ज़्यादा नमक नहीं डालना है। पहले आप कम ही डालिएगा, अगर थोड़ा सा लगे कि नमक कम है तो बाद में और डाल दीजिएगा। तो नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा
कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जिससे क्या होगा कि चटनी का कलर है वो थोड़ा सा लाल आएगा। और ये बिल्कुल तीखे नहीं होते हैं, सिर्फ इनको कलर के लिए ही यूज करते हैं सब्जी में या फिर चटनी। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे खट्टापन के लिए 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि चटनी है वो थोड़ी सी गीली गीली हो जाएगी। तो हमें चटनी को ड्राई ही रखनी है, तो इसलिए हमने इसमें अमचूर पाउडर का यूज किया है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे भी इसमें जो खट्टापन है वो आ जाएगा। उसके बाद हम मिक्सी के जार का ढक्कन लगा देंगे और इनको हम इसी तरह से ड्राई पीस लेंगे। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि मिक्सी के जार को थोड़ा सा आप रुक रुक कर ही चलाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो मूंगफली है वो ऑयल को रिलीज नहीं करेंगे। तो 1 से 2 राउंड इस तरह से घुमाइएगा, उसके बाद आप मिक्सी को बंद कर दीजिएगा, फिर घुमाइएगा, फिर मिक्सी को बंद कर दीजिएगा। इस तरह से 2-3 राउंड आप मिक्सी को चलाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने आपको इस तरह से दिखा दिया है 2 से 3 राउंड चटनी को पीस करके। तो थोड़े से अभी ये महीन नहीं हुए हैं, तो इनको एक से दो राउंड और चलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने मिक्सी को 1 से 2 राउंड और चला दिया है, तो अब ये एकदम से बारीक हो चुके हैं। तो अब इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक बाउल चटनी को निकाल लिया है, अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही चटपटी और बहुत ही स्पाइसी हमारी जो चटनी है वो बन करके तैयार हुई है। आप इसे रोटी, दाल, चावल, पराठे और नान के साथ इंजॉय कर सकते हैं, इडली, बड़ा, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ख़ास करके ये बरसात के दिनों में तो फेवरेट है सभी के। आप इसे एक बार बना दीजिए और किसी कंटेनर में आप इसे भर करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 महीने के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फैमिली दोस्तों में शेयर करें और बगल में बेल है उसे आप ऑल में प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर ये मेरी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.